आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन, और होली फेस्टिवल है ये, और इस पर हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। ये बिना मावा और बिना खोआ के है ये, और बहुत ईजिली आप इससे बना सकती हैं और काफ़ी टेस्टी लगती है ये। देखिए इस तरह से हमने काटा हुआ है, और बीच में देखिए काफ़ी जूसी है इस तरह से, देखिए काफ़ी टेस्टी लगेंगी ये। इस तरह से बनाएंगे आपको बहुत आराम से आप गुलाब जामुन बना सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इसे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने ये 2 कटोरी के लगभग चीनी लिया है, अब जितना आप चीनी ले रहे हैं उतना ही हम पानी डालेंगे। अब उतना ही हम पानी डाल दे रहे हैं, देखिए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इन्हें हमें पिघलाना है बिल्कुल। अब 2 ठो इलायची हम डाल दे रहे हैं, तोड़ के डाल रहे हैं इस तरह से खोल के। ये देखिए अच्छे से पिघल रहे हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेना है। देखिए बॉयल भी हो गए, तो हमें ज़्यादा इन्हें नहीं करना है, बस 5 से 6 मिनट हमें इन्हें पकाना है बस। देखिए बस चिपचिपा होना चाहिए बस। अब हम एक पैन में 1 कटोरी के लगभग दूध लिया है, इन्हें अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। देखिए गरम भी हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग सूजी। ये पतला सूजी होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, अगर मोटा है तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए तो पतला हो जाएगा। अब हम 2 चम्मच के लगभग मैदा डाल दे रहे हैं, नीचे से मिक्स कर लेंगे हम, गैस ऑफ कर देंगे, अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए अब इसमें 1 कटोरी के लगभग कप के लगभग हमने मिल्क पाउडर लिया है, अब थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल दे रहे हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, अगर आपको ज़्यादा गीला लग रहा है थोड़ा सा आप सूजी और थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं। अब हम 1 बड़ा चम्मच में घी डाल दे रहे हैं, ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इन्हें बनाएंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक स्टफिंग के लिए बना लेते हैं। थोड़ा सा ये काजू है, बादाम है, पिस्ता है, और थोड़ा सा चीनी है, और ये फूड कलर है कलर के लिए। अब इसमें हम सभी को डाल देंगे, एक साथ इन्हें हम मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा जो मिक्सर हम बनाया हमने वो हम डाल देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए इसका कलर देखिए, अब इसको स्टफिंग के लिए हम बनाएंगे डालेंगे तो उसका अंदर काफ़ी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो देखिए ठंडा भी हो गया है, इन्हें हम थोड़ा सा ले लेंगे, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से लीजिए। इन्हें अच्छे से इस तरह से करके बीच में हमें इस तरह से होल की तरह बना देना है, और स्टफिंग जो है इससे इन्हें डाल देंगे, और इन्हें हल्के से इस तरह से दबा दबा के हमें बंद कर लेना है। अच्छे से बंद हो चुके हैं ये, इन्हें हम गोल साइज में बना लेंगे, इससे राउंड करके इन्हें गोल साइज़ में बना लेंगे। जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं लंबा गोल तो उस हिसाब से हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम इन्हें भी एक बार और बना लेते हैं, हम इस तरह से बीच में होल कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर ये स्टफिंग जो है इसमें डाल देंगे, इसे चारों तरफ से इन्हें हम ढक देंगे बिल्कुल अच्छे से, और हम गोल बना लेंगे। इसी तरह सब हमको बना के रख लेना है,
देखिए बन गया है। इसी तरह हमने सभी को बना लिया है, देखिए सबको बना के रख लेंगे। और अब तेल गरम करेंगे हम, ऑयल। तो तेल ठीक अच्छा सा गरम हो जाना चाहिए, फिर एक एक करके सबको हम डाल देंगे। हमें सब दूर दूर डालना है, बिल्कुल पास में नहीं कि चिपक जाएंगे। तो सभी को हम डाल दे रहे हैं, इन्हें हल्का हल्का इस तरह से डालना है। अब धीरे धीरे हमें पलट लेना है, हल्के हाथों से इन्हें पलटना नहीं, टूट जाते हैं ये। तो देखिए हमने सभी को पलट लिया, धीरे धीरे ब्राउन भी हो रहे हैं ये। अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इन्हें निकालेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा रेसिपी, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए अच्छे से, देखिए बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, ये रेडी हो चुके हैं। इन्हें गर्म ही हमें चाशनी में डालना है और चाशनी भी हमारा गर्म होना चाहिए, तब ये जब गर्म रहेंगे तो अच्छे से ये जो चाशनी होते हैं वो अंदर तक चले जाते हैं। देखिए गरम गरम है बिल्कुल, चाशनी भी देखिए गरम है, इसी में हम डाल देंगे। अब इन्हें 2 से 3 घंटे रहने देंगे जिससे अच्छे से ये अंदर चले जाते हैं। इन्हें ढक के हम रख देंगे। देखिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं ये, ये देखिए इस तरह से काट के देखिए, और काफ़ी जूसी है अंदर से और काफ़ी टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। देखिए पास से दिखाते हैं आपको, देखिए एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और होली का सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी होली। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखिए कितनी स्पंजी हैं ये, कितनी फिर जो रसीले हैं अंदर से।